जी नमस्कार, आज मैं आपको एक एक शब्द आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, जय परशुराम। और परशुराम के आखिर इतने जय जयकार क्यों किए जाते हैं, इन्हीं चीज़ों को खोजते हुए मैं पहुंच गया हूं बाबा परशुराम के स्थान। मैं आपको दिखाता हूं कि जय बाबा परशुराम मंदिर है और ये मुख्य द्वार हुआ, और इस मुख्य द्वार से यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है, पश्चिमी द्वार है जो श्री राधा कृष्ण मंदिर के तरफ चला जाता है। और इस तरीके से आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी जानकारी आपसे छूट रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बाबा परशुराम के मंदिर में जा रहा हूँ और यहाँ पे हमें जो जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको एक ऐसे पीपल का पेड़ भी हम दिखाएंगे जिस पेड़ के विषय में बाबा ने कहा था कि जब तक ये पेड़ हरा भरा है तब तक मैं इस जगह मौजूद हूँ। और उस जगह को भी मैं दिखाऊंगा जहाँ पे बाबा परशुराम की तपोभूमि कही जाती है, वो तप करने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये कहानी आज की नहीं है, ये जब मुगल बादशाह देश पर शासन किया करता था तब की बात है। मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिनकी मौत लगभग 1862 ईस्वी में हुई थी। और ये तब से तब की घटना है, चूँकि बाबा परशुराम त्रेता युग में थे, अवतरित थे और वो अमर भी हैं, और अमरत्व की वजह से वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। हम आपको उनकी तपोभूमि का दर्शन कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार के मुख्य द्वार पर, जिसका निर्माण संभवतः 1980 में बताया जा रहा है कि 1980 में इस जगह का ये जो गेट है यहाँ से निर्माण हुआ था। हमने आपको कहा था कि आपको हम वो चीज़ दिखाने वाले हैं जिस चीज़ देख करके आपको भी हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि हम उस पीपल के पेड़ के पास हैं जिस पीपल के पेड़ को के विषय में बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि ये वो पीपल का पेड़ है जिस पेड़ के लिए भगवान परशुराम का कहना था कि जब तक यह पेड़ यहाँ हरा भरा रहेगा तब तक समझना है कि हम यहीं पे मौजूद हैं। ये देखिए, ये वो पेड़ है और ये जो पेड़ है इसकी जड़ें भी हैं जो निकली हुई हैं, अब तो टूट चुका है, बहुत पुराना है। हम आपको दिखाते हैं उसकी जड़ जहाँ उनकी पूजा होती है। और ये पहला पेड़ है, इसमें तपस्या का वो चीज़ है, निहित है कि इस पेड़ की डाली जहाँ भी गिरती है वहाँ से एक पीपल का पेड़ ही पैदा हो जाता है। ये देखिए, ये वही जड़ है जिस जड़ को आप देख रहे हैं, इधर से दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए कि कितनी पुरानी और किस तरीके से है ये पीपल का वो पेड़। और इसी के डंठल के गिरने से वो पेड़ जो है आज भी हरा भरा सैकड़ों वर्ष पुराना वो पेड़ है। और इसी पेड़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये बाबा परशुराम के यहाँ होने का बड़ा प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक यह पेड़ हरा है तब तक हम इस स्थल पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे पुजारी भी हैं इस जगह के, क्या नाम है? मनीष कुमार पांडे। मनीष जी, क्या जानते हैं इस पेड़ के? इस पेड़ के बारे में यही जानते हैं कि जिस समय इनका पूजा हो रहा था, मुगलिया साम्राज्य उस समय था, मिठू खान नामक एक मुसलमान थे, वो इनका पूजा हो रहा था, हाथी पे सवार होकर मिठू खाव इधर से गुजर रहा था, राजा था और गुजर रहा था, तो फिर पीपल का पेड़ काट के गिराने लगा नीचे कि हाथी को खिलाएंगे हम। वो पेड़ जैसे ही काटता नीचे गिरता वो पुनः गाछ में परिवर्तन हो जाता था। अच्छा,
तो बेचैन हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है भाई, हम खिलाने के लिए आए हैं और घास में परिवर्तन हो जाता है। इसी समय इनका पूजा हो रहा था, तो वो बोला कि हम एगो गाय लाते हैं, काट देते हैं, इसको जिंदा कर दे तब हम जानेंगे कि हिंदू का देवता में जस है, और नहीं तो हम सब का सर कलम करेंगे। वो राजा था, क्रूर था, मानने वाला नहीं था। जो पुजारी यहाँ के थे वो मना भी किए कि नहीं नहीं ऐसा काम मत करो, इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा, लेकिन वो माना नहीं, गाय को लाया यहाँ काट दिया। अच्छा। उसके बाद कहा इसको जिंदा करो, तो जो पुजारी थे वो बाबा परशुराम का आवाहन किए, आवाहन किए तो वो आए और लाल कपड़ा ओढ़ा के गाय को मुड़ी सटा के लाल कपड़ा ओढ़ा दिए, गंगा जल से लेके आवाहन किए, गाय खड़ी हो गई। तो ये आप सुन रहे हैं कि एक यहाँ के मुस्लिम शासक थे, उस समय के मुगल शासन काल का वक्त था, और उस वक्त के एक यहाँ पे मुस्लिम शासक थे जिसका नाम मिट्ठू बताया जा रहा है कि मिट्ठू मियाँ करके कोई यहाँ पे शासक थे, जो इस क्षेत्र से गुजर रहे थे और यहाँ पे बाबा परशुराम की पूजा की जा रही थी। तो वो अपनी हाथी को इस विशाल पेड़ के पत्ते को खिलाने के लिए काटना चाहा, तो जितना भी वो काट रहा था, जितने भी पेड़ की टहनियाँ कट करके ज़मीन पर गिर रही थी, सबसे पेड़ ही बन जा रहा था। वो अपने हाथी को वो पत्ता नहीं खिला पा रहा था पीपल का। तो फिर क्या हुआ उसकी भी बात हमने आपको सुनवाई कि उसके बाद एक गाय को भी उसने ला करके काट दिया और काटा और कहा कि अगर इसका सिर जुट जाता है तो हम हिंदुओं के देवी देवताओं पर भरोसा करेंगे, और उसको जुड़वाने के लिए उसने कहा। वहाँ के तत्कालीन पुजारी जो थे, जो उपासना में थे, उनसे निवेदन किया गया, उन्हें निवेदन किया, आप उनको कह सकते हैं कि वो शासक थे, उन्होंने आदेश दिया कि इसका सर जोर करके दिखाओ। और एक तरीके से ये चैलेंजिंग था उनके लिए और हिंदू सनातन धर्म के लिए, जिसकी परीक्षा यहाँ के पुजारी ने तत्क्षण ही पास की और बाबा परशुराम की कृपा हुई और वो सिर गाय का जुड़ गया। देखिए पूजा के घंटी यहाँ बज रही है, दर्शक यहाँ पे, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। आइए अब हम आपको बाबा परशुराम के मुख्य मंदिर में लिए चलते हैं, जिसका दर्शन करके आप सानंद हो जाएंगे। देखिए यही वो बाबा परशुराम का मंदिर है जिसके दर्शन करने यहाँ पे हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है हर उनकी पुण्यतिथि पर, और यहाँ पे 1 जनवरी हो या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, कोई भी नेशनल फेस्टिवल होता है या कोई भी उस तरीके का त्यौहार आता है, तो उस त्यौहार में इस क्षेत्र के, मोकामा क्षेत्र के तमाम लोग ही नहीं बल्कि मोकामा से बाहर के भी लोग यहाँ आकर के बाबा का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम भी चाहेंगे कि आप भी घर बैठे बाबा का दर्शन करें और इनसे अपनी मनोवांछित इच्छा प्रकट कर सकें। यही देखिए कि ये मुख्य मंदिर का मेन मूर्ति है, भगवान परशुराम जी की पूजा होती है यहाँ पे। ये यहाँ पे पिंड बना हुआ है उनकी पूजा के लिए, और हम यहाँ पे आप देखिए कि उनकी आरती वगैरह के लिए, धूप के लिए मंदिरों का घंटा निरंतर बज रहा है, और आप ये देख सकते हैं बाबा का दर्शन कर लीजिए। बाबा का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है, जब आप पर इनकी कृपा होती है तभी इनका दर्शन प्राप्त हो जाता है, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज बाबा के इन श्री चरणों में शीश झुकाने आया हूँ। दिखाने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे, मैं आपको अब एक और ख़ास चीज़ यहाँ का दिखाने वाला हूँ। यहाँ का एक सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद का पेड़, उस पेड़ को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इतना पुराना पेड़ आज भी बिहार में एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के रूप में खड़ा है। मैं आपको लिए चलता हूँ उस बरगद के पेड़ के पास। ये देखिए, ये वही बरगद का पेड़ है जो तकरीबन बताया जाता है कि 400 से 500 वर्ष पुराना यह बरगद का पेड़ है, और इसकी टहनियाँ आप देखिए कि ऊपर से लटकते हुए जो नीचे तक आया है उसका देखिए
किस तरीके से यहाँ पे बनावट हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर भी दिखाएं इनके घना दृश्य को, दिखाइए अच्छे से दिखाइए, ताकि हमारे दर्शक को बहुत बेहतरीन ढंग से बाबा परशुराम के इस स्थान को, इस रमणीक स्थान को, मोकामा के इस बेहतरीन स्थान को जान सकें और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दर्शन करने भी आए। बाबा एक चीज़ बताइए, इस पेड़ के विषय में आपके पास क्या जानकारी है? ये पेड़ तो सर बहुत पुराना है, 400-500 वर्ष पुराना ये पेड़ है। कहते हैं कि बाबा परशुराम जब तपस्या करते थे तो इसी पेड़ के नीचे रहते थे। अच्छा, उसके बाद तो जब परीक्षा हो गया उनका तो फिर देखा उनको नहीं गया कि यहाँ है या नहीं है। लेकिन वो पीपल का पेड़ तो अभी भी जीवित है। हाँ, वो जीवित है। और ये भी बात है ना कि यहाँ की रात भर में कोई नहीं रहता है। रात में बाबा परशुराम अपने मुख से कहें कि दिन भर यहाँ पूजा पाठ जो है अपना काम कीजिए, रात में पुनः अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए। इसका इसके पीछे का कुछ तो कारण होगा, साधु संत रहते थे पहले, ठीक है, रात में सिद्धियाँ यहाँ पे साधु संत आज भी मौजूद होते हैं। पहले रहते थे, अब तो नहीं, अब तो किन्हीं को रहने ही नहीं देते हैं, विचरण ये खुद करते हैं अपने, निकलते हैं। जो यहाँ जिद्दी करके रह भी जाता है कि नहीं हम रहेंगे, हम देखते हैं, तो वो तो मर जाता है या पागल होकर फिर यहाँ से चला जाता है। कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ घटनाएं उनके साथ हो ही जाती, इसलिए उनके निवेदन को काटना नहीं, परीक्षा यहाँ नहीं, परीक्षा नहीं लेनी। तो हम आपको चारों तरफ घूम करके दिखा देते हैं इस पेड़ को। आप ये समझिए कि बताया जा रहा है यहाँ के पुजारी के माध्यम से हमें कि ये वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बाबा परशुराम तपस्या में लीन रहा करते थे, ध्यान मग्न हुआ करते थे, और ये उस पेड़ का दर्शन हम आप तक करवा रहे हैं। आप बने रहिएगा बीटी न्यूज़ के साथ, कहीं मत जाइएगा, हम अभी आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन जानकारी और भी देने वाले हैं। ये देखिए, ये वही पेड़ है जहाँ पे बाबा परशुराम बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। हम आपको चारों तरफ से घुमा करके दिखा देते हैं, थोड़ा इधर से भी दिखाइए। आप देखिए कि किस तरीके से ये बरगद का जो ऊपर से जो लड़ी गिरता है, वही चीज नीचे जमीन में पकड़ के इस तरीके से आप देख लीजिए कि हो गया है। और लोगों का ऐसा मानना है कि ये वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बाबा परशुराम बैठा करते थे और ध्यान लगाया करते थे। आइए एक बार फिर से, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं। अब तो यहाँ इस मंदिर में शादी विवाह सब कुछ होता है, वो विवाह का मंडप भी हम आपको दिखाएंगे। और एक कुआं है जिसे अब संरक्षित कर लिया गया है वार्ड पंचायत की योजनाओं के माध्यम से। हम यहाँ पे वो कुआं भी दिखाएंगे जिस कुएं के जल से जलाभिषेक हुआ करता है। ये देखिए, ये वही कुआं है जिस कुएं के जल से भगवान परशुराम के चरण पखारे जाते थे, अब इसको संरक्षित कर दिया गया है। ये बहुत ही पुरानी कुआं बताई जा रही है, अब इसका संरक्षण सरकार के पंचायती योजनाओं के द्वारा कर लिया गया है। बाबा, इस मंदिर की कुछ खास और चीज जो हो जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें? खास यही है कि जो मनोकामना से लोग यहाँ आते हैं उनका सब मनोकामना पूरा होता है, और फिर वह पुनः पूरा होने के बाद फिर यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। प्रसाद में क्या चढ़ता है? पेड़ा चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, बतासा। ये इच्छा पर है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंडेशन यहाँ है, सिर्फ दूध के लिए महत्व, जो कि पिंडी बना हुआ है, पिंडी पर लोग दूध ढारते हैं, मनोकामना पूरी। आप कितने दिनों से यहाँ पे पुजारी? हम तो है 30 बरस से, हमारे पहले बाबू जी रहते थे, उनके पहले नाना जी हमरे रहे, उनके पहले और नानी रहती थी। हाँ, तो ये आपका मतलब वंशावली के तरीके से चलते आ रहे हैं। यहाँ का पुजारी भी थे जो तो हमारा खानदान का ही थे, जिन्होंने परीक्षा दी जी, वो आपके खानदान। हाँ, उसी आपके वो कौन लगते थे? नाना लगते थे, पर नाना लगते थे। तो ये देखिए कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें यहाँ के पुजारी जी के द्वारा मिल रही है, जो हम आप तक शेयर भी कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अब ये धर्मस्थल को सरकार ने अपने अंदर ले लिया है और इसे राजकीय मेला के रूप में यहाँ पे दर्शनीय स्थल की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। देखना ये होगा
कि किस तरीके से बिहार सरकार या भारत सरकार का पर्यटन विभाग इसका विकास कर पाती है और बेहतर तरीके से इसे देश भर में, पूरे दुनिया भर में इसे प्रचलित करने का काम कर सकती है। यहाँ के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? राम लखन साहब। घर यहीं है? धनकडोब, घोसबरी प्रखंड। अच्छा, घोसबरी प्रखंड में। आप बाबा परशुराम के मंदिर में कब से आ रहे हैं? बचपन से यहाँ, जब जब भी पूजा पाठ के लिए मनोकामना कुछ भी होता है तो हम आते हैं। यहाँ आते हैं, शादी पूर्ण होती है। हाँ, अब जैसे एक बरतुहारे एगो कर रहे हैं, बर कन्या आई हुई है, देखिए देखा देखी कर रहा है। अच्छा, बर कन्या आई हुई? हाँ, देखा देखी कर रहा है, दोनों पसंद होगा, रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये काम भी होता है? हाँ, शादी विवाह का भी काम होता है? शादी विवाह भी खूब होता है। शादी विवाह जी, बहुत शादी विवाह होता है। परशुराम सेवा समिति है, उसका क्या काम है? उसका काम है देख रेख यहाँ करना। अच्छा, जो रसीद करता है वही पैसा से उनका काम, बाउल हुआ, झाड़ू हुआ, या सब जो मेंटेनेंस का मेंटेनेंस का चीज है सब समिति करता है। सब समिति करता। तो ये मैं आपको दिखा रहा था बाबा परशुराम का वो स्थल जो कि मोकामा में अवस्थित है, और मैं आपको ये भी दिखाया, वो पेड़ के विषय में भी दिखाया कि जिस पेड़ को काटने के बाद उसकी डाली से आप पूरी दुनिया में कहीं भी, आप अपने घरों में भी प्रयोग कर सकते हैं। पीपल की डाली से पेड़ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे वो पेड़ आज भी मौजूद है, जिस पेड़ को हमने भी देखा और आप भी देख रहे हैं। उसी पेड़ के विषय में, जिस पेड़ के को लेकर के भगवान परशुराम स्वयं ने कहा था कि जब तक इस पर पेड़ का एक भी पत्ता हरा है तब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो न्यूज़ बिहार के साथ। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए